चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और बंगाली गर्ल मणि भट्टाचार्य अपकमिंग भोजपुरी फिल्म सौगंध 2 मार्च से पूरे बिहार और झारखंड एक साथ रिलीज किया जा रहा है। फिल्म रिलीज की जानकारी खुद निर्माता विकास कुमार ने दिया है। आपको बता दें कि फिल्म में पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ और मणि भट्टाचार्य का जोरदार रोमांस भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि फिल्म के निर्माता विकास कुमार निरहुआ के साथ 2 और फिल्में कर चुकी हैं, जो दोनों के दोनों भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करके पर हिट का डंका बजा चुकी है। अब देखना यह है कि फिल्म सौगंध भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिल्म का ट्रेलर पहले ही YouTube पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर बैब म्यूजिक के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जारी किया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में निरहुआ का एक्शन अवतार भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ फिल्म के ट्रेलर में मणि भट्टाचार्य का ग्लैमरस अवतार तो दर्शकों की जुबान पर चढ़कर बोल रहा है। अब देखना यह होगा कि मणि भट्टाचार्य और दिनेश लाल यादव निरहुआ का जोरदार रोमांस भोजपुरी दर्शकों को कितना पसंद आता है, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन होली के मौके पर बिहार में किसी और बड़े स्टार का फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, कारण से उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। बता दें कि फिल्म वांटेड भी होली के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोड्यूसर ने फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में सिर्फ सौगंध ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है।